कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं कुछ सीखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बोला कि देर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देर आर ओनली चैलेंजेस, सो यू आइदर विन और यू लर्न। मैं जो चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है स्किल्स के बारे में। मेरा ये मानना है इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ यू आर बेसिकली डाउनग्रेडिंग। तो उनके पास जो स्किल्स थी वो 10 साल पुरानी थी। सिमिलरली अगर आपकी स्किल्स आप टाइमली अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जो आपसे ज़्यादा स्किल्ड बंदा है वो आपकी प्लेस ले लेगा। तो मैं आप लोगों को हमेशा ये एक मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ लाइफ का, अगर आप लाइफ में तरक्की करना चाहते हो, इफ यू प्रे दी गॉडेस सरस्वती गॉडेस लक्ष्मी विल फॉलो। अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आप स्किल्स अटेन कर रहे हो, तो आपको हम क्या कोई भी नहीं निकाल सकता। आप कई लोग शायद इससे रिलेट भी करें, किसी के मन में कभी कोई थॉट आया कि काश यार ऐसा होता, आप कुछ टाइम बाद देखना वो चीज़ हो ही जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जब मैं छोटा था मैं सोचता था यार ये टैप वाले फोन है टच होता, तो मैंने देखा बाद में टच भी आ गया। तो आपको अपने आप को टाइमली अपग्रेड करना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को टाइमली अपग्रेड नहीं करो तो कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपकी जगह ले लेगा। हमारी कंपनी में जो सीनियोरिटी है हम कभी भी टेन्योर की सीनियोरिटी नहीं मानते, आपकी स्किल्स की, आपके एक्सपीरियंस की, आपकी नॉलेज की सीनियोरिटी मानते हैं। और अगर आप अपने आपको अपग्रेड कर रहे हो तो आपको कोई इशू ही नहीं आएगा, क्योंकि आप मान लीजिए आपके कंपटीशन में कोई आ गया फॉर एग्जांपल, जब आपको पता है कि आपके कंपटीशन में कोई आ गया मैं उससे ज्यादा स्किल्ड हूँ तो मुझे किस बात का डर है। जॉब इनसिक्योरिटी आती कब है माइंड में, जब हमें लगता है कि यार ये मेरे से ज्यादा स्किल्ड आ गया है या मेरी जगह कोई और ऑप्शन आ सकता है। वो आपके मन में थॉट ही क्यों आया, क्योंकि आपने अपने आपको टाइमली अपग्रेड नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं भी पूरे टाइम पॉजिटिव रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ। मैंने अपनी 5-7 ऐसी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे मान लीजिए कभी मेरे को लगता है कि मेरा माइंड नेगेटिव हो गया, क्योंकि बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, तो लॉस के टाइम पे ऐसे नहीं कि यार नहीं अच्छा नहीं है बिजनेस, ये नहीं, पॉजिटिव वीडियोस देखूं मैं। तो जैसे मैंने बोला कि देर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देर आर ओनली चैलेंजेस, सो यू आइदर विन और यू लर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास कोई नुकसान हो गया तो आप हार गए उसमें, वो आपके लिए चैलेंज था। हम भी देखो सीख सीख के आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। जॉब इनसिक्योरिटी या जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, आप प्रमोशंस के बारे में सोचो ना। लाइफ में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, 110% मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि सबको बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसमें। लाइफ में आपको वही चीज़ मिलती है जो आपको चाहिए ही चाहिए। इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हो, आप देखो आपको कितनी सारी चीज़ें चाहिए होगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो ज़रूर मिलेगा या उसके पास ज़रूर पहुँच जाओगे जो आपको चाहिए ही चाहिए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इफ यू प्रे गॉडेस सरस्वती गॉडेस लक्ष्मी विल फॉलो। अगर आप सोचो मुझे मेरे पैसे बढ़ जाएं, मेरे को इंक्रीमेंट मिल जाए, मेरे को प्रेजेंट मिल जाए, रातों रात कुछ ऐसा हो जाए, जादू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, इट विल हैपन ओवर टाइम। अगर आप इतने स्किल्ड हो हम भी जाने नहीं देंगे आपको, हमें आपको कोई बेटर ऑफर कर देंगे। ये चैलेंजेस आते हैं कब है, जब हमें हमारी काबिलियत पे डाउट होता है। अब जो हमने बड़ी बड़ी कंपनी सुनी होगी, नोकिया पहले कितना थी अब गायब, कोडैक कितनी थी अब गायब, इन्होंने अपने आपको टाइमली अपग्रेड नहीं किया। तो इन्होंने एक चीज़ कही थी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो लर्न करना है तो कुछ ना कुछ नुकसान लेना पड़ेगा। मैं उस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करा इन लोगों से, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं कुछ सीखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मेरा मानना है यू कैन नेवर कन्विंस पीपल बाय कन्विंसिंग, यू ऑलवेज कन्विंस पीपल बाय कनेक्टिंग। मतलब अगर मैं आपको ये लग रहा है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ तो आप कभी कन्विंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, आपको भी पता है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो गया तो आप ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाओगे उस चीज़ से, क्योंकि हमारा कोई ऐसा लालाजी वाला बिजनेस नहीं है, मैं आऊँगा बैठूंगा काम करोगे, नहीं, हम प्रोसेसेस ऐसे बनाना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली काम हो, मैं हूँ ना हूँ काम चलता रहे, आपको टाइमली सैलरी मिलती रहे। अगर मेरे आने से ही सैलरी मिलेगी, मान लो मैं बीमार हो गया, आपकी सैलरी का क्या? माइंड इज अ वेरी विशियस थिंग, आप उसको जो सिखाओगे वही वो सीखेगा, आप उसको जो चीज़ सिखाओगे जो चीज़ दिखाओगे वही चीज़ वो सीखेगा। अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, उसको नॉलेज दे रहे हो, टाइम टू टाइम फीड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको तरक्की मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, हाथ जोड़ के देंगे लोग आपको पैसा। थैंक यू सो मच, आई होप कि जो मैं एनर्जीज दे रहा हूँ वो पास ऑन हुई हो।